देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन क्या है, इफ ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स विद पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि ई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है पी ए, पी ऑफ ई इज इक्वल टू स्मॉल पी, ठीक है, एंड एफ इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है टू पी, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि ई एंड एफ में से एग्जैक्टली वन वन इवेंट हो, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ में से एग्जैक्टली वन होना चाहिए, तो या तो एफ हो सकता है या तो ई हो सकता है या फिर ई हो सकता है, ठीक है, तो इनमें से देखो एक ही है एग्जैक्टली वन हो रहा है, या तो ई होगा या फिर एफ होगा, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी ई होगा, एफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्लस एग्जैक्टली वन होना चाहिए, तो एंड ई यहाँ पे ई नहीं होगा एफ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे ई हो रहा है तो पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, प्लस यहाँ पे एफ इवेंट हो रहा है तो ये आ जाएगा पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या गया, पी इंटरसेक्शन पी प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा जीरो, ठीक है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी थी, ठीक है, तो ये हमें गिवन है 5/6, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें 5/9, ठीक है, यहाँ पे 9 गिवन है, इज इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ से, ये हमें पी है ये 2p है, तो पी इज इक्वल टू आ गया यहाँ से 5/3 × 9 27, ये हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इजी।